सामान एक बात बताएंगे तो देखो भाई, हम बना रहे हैं कहीं घूमने जाने का प्लान। हाँ, हमारा प्लान ये है कि अगर गर्मी में, गर्मी का मौसम है, ठीक, हम ये चाह रहे हैं कि गर्म स्थान पर जाओ, बिल्कुल राजस्थान, ताकि हो जाकर ये लगे कि यार घर ही बढ़िया थे कहीं घूमने तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर और कुछ काम भी है, और थोड़ा सा उनसे मिलके भी आ जाती हूँ। शिभी और मैं जा रहे हैं। हाँ शिभी, हम जा रहे हैं। हाँ। और ये रेडी होके नहीं दे रही है, बहुत लेट हो गया। पता है हम मॉर्निंग में 7 बजे निकलने वाले थे, और पता है इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गया है, और अभी भी मैडम लगी पड़ी है, देखो क्या कर रही है। चलो चलो जल्दी निकलो। तो बैग पैक कर लिया है, बैग में छोटा मोटा सामान रख लिया है, निकलते हैं। ओके डन, बाय मामी, हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो गाइज हम निकल गए हैं, शिवी मेरे साथ जा रही है। हाँ शिवी, कैसा लग रहा है बहुत टाइम बाद नाना नानी के घर जाके? जाके तो तब पता चलेगा ना, अभी एक्साइटमेंट है कि नहीं? हाँ हाँ, अच्छा लगता है नाना मामा के घर जाकर, तो कुछ अच्छा ही फील होता है। वैसे हम रहते ही ऑलरेडी मतलब मामाओं के पास हैं, पर फिर भी और दूसरे मामा से मिलने जा रहे हैं। चलते हैं, ओके, आगे से ऑटो करना, फिर दिन बस से जाएंगे हम। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, ज़्यादा अराउंड 1 घंटा, बस से 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस निकल ही रहे हैं। हमें बस मिल गई है, हवादार बस है, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है यहाँ पे, यही चलती है, देखिए पूरी खुली 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 हवादार बस। 1 घंटे में वाली बस नहीं मिलती, यही मिलती है, इसमें ही जाना पड़ेगा। चल गई बस, गर्मी कितनी हो रही है, शिवी का मुँह देखो। चल गई, आवाज आ रही है? नहीं है शिवी, आवाज आ रही? चल गई आवाज, चल गई। अपने गांव के पास उतर गए, मामा भी लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये तालाब है, देखना, गांव का तालाब है, ये सुंदर है ना। मैं अपने नाना नानी के घर पहुंच गई हूँ। बेसिकली मेरे नाना नानी नहीं रहे, मेरी 2 माँ हैं, आई मीन टू से मेरे मामा। तो मेरे मामा यहाँ रहते हैं, एक मामा का घर ये है, एक मामा का घर जब उससे मिला हुआ, एक मामा का घर वो, और एक मामा मेरे वैशाली के पापा, आपने देखा है वहाँ, कई मेरे 4 मामा है, ठीक है। तो सबके घर घर है, और बाकी हम आ गए थे, मामा को कुछ काम था तो वो हमें छोड़कर चले गए। अब थोड़ा देर हम यहाँ रहेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे घर है ना इसी के अंदर बैंक है, तो थोड़ा सा बैंक का भी हमें काम है शिवी और मेरे को, तो वो काम निपटाना है। जैसे अगर हमें अकाउंट वगैरह यहाँ खुलाना हो ना, 2 मिनट में खुल जाता है, तो ये इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ आना, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है, अदरवाइज़ अपनी जगह में पूरे दिन लग जाता है ना शिवी। बट हाँ, ये तो आगे आगे एकदम लेट गई है। तो मैं बता देती हूँ, ये ना मेरे मामा का घर जस्ट अभी बन रहा है, पूरा बना नहीं है अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, इससे पेंट वगैरह नहीं हो रखा। बट ये घर बिल्कुल साउथ थीम पर बना हुआ है, जो साउथ में घर होते हैं ना, बिल्कुल उस थीम पर बना हुआ है। जब ये बन जाएगा ना, देन ये घर बहुत बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इसका, मेरी नानी का नाम है शांति, तो इस घर का नाम रखा है शांति भवन, है ना सिर्फ श्यामो शांति भवन, तो ये इस घर का नाम है। और अभी कवर, अभी इसमें पेंट वगैरह नहीं हुआ, बट मैं आपको पूरा ही घर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस घर से बड़ी बड़ी अच्छी वाइब्स आती है। नाश्ता नाश्ता, और मामी लेकर आ गई हैं। गाँव में एक प्रॉपर बात होती है, पूरी खाट पड़े होती है, खाट पे बैठो, खाट पे खाओ मजे से। सो गाइस, काब भी आ गई है, ठीक है, अभी हम उसको सरप्राइज देते हैं। चुप जा, और ये तो पूरे पसीने में होगी, साइकिल से आई है। हाँ। इधर आ जा। ताबी तुम्हें ब्लॉग देखती है? हाँ। और तू अभी क्या बोल रही, लाइक भी कर देती है? हाँ। ये बेचारी स्कूल से आई है, अच्छे खासे 2 किलोमीटर साइकिल चला गई, इसके पापा से साइकिल चलवा दो ताकि काबी फिट रहे, है ना काबी? हाँ। गाइस खाना आ गया है, रोटी सब्जी, रोटी सैलेड और टीवी। शिवी का खाना ये रहा। हाँ शिवी, अचार निकाल रही है शिवी। सो गाइस, ये रहा मामा का एंट्रेंस, और मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि मामा कितने पेड़ों से प्यार करते हैं, तो वो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। इन्होंने ये इस तरह के लगा रखा है, और ये इनका घर रहा, ठीक है, शांति भवन जिसे बोल देते हैं। और इन्होंने यहाँ पे छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा।
मेरे मामा बहुत ज़्यादा लवर हैं पेड़ पौधे ट्रीज प्लांटिंग ये सब कुछ करने के। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। इनका पेड़ बहुत छोटी सी नैनो नैनो का, ये देखा, यहाँ से शुरू हो जाएगा इनका। ये देखो, ये इसके अंदर घर के अंदर मंदिर बना रखा है। ये रहा, यहाँ से देखो पूरा पूरा ये पूरा है। यहाँ पे अभी आधे तो चले ही गए, बहुत टाइम पहले, मेरे से भी पहले की कार है ये, जब मैं पैदा हुई थी। अच्छा हाँ, पैदा चले ज़्यादा बोल दिया, जब मैं पैदा हुई थी तब की है ये कार, तो बहुत पुरानी कार है ये। ठीक है, इस कार में हमने इतना ज़्यादा हम लोग घूमे, इतना ज़्यादा, इसको देखना ऐसे रख दिया क्योंकि अभी चल नहीं पाती है, ख़राब हो चुकी है। तो ये देख, बितर जाट है ऐसे लगा हुआ है। तो ये पूरा खेत है घर के पास में ही, यहाँ पर कुछ कुछ बो रखा है। ये पेड़ जब बहुत छोटा था, अब से पहले मेरी मौसी वगैरह की शादी यहीं कर देते थे करके, यहाँ पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे ही होता था। और इधर भी हैं बहुत सारे पेड़ लाइन से, काफ़ी सारा। सो गाइज, मैंने थोड़ा सा इसलिए दिखाया है बिकॉज़ मैं ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा लवर हूँ, मुझे ग्रीनरी और एनिमल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं छोड़ती नहीं भी कोई भी चांस कि मैं इनको दिखाऊँ ना। और देखो कितने छोटे अमरूद आ रहे हैं, ठीक है, इतने छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं। देखो जब ये बड़े हो जाएंगे, जब मेरे मामा बूढ़े हो जाएंगे, उनके पर पोते पोती वो ये अमरूद खाएंगे। तो कितना अच्छा थीम है ना, कि हम लोगों को सब उगाना चाहिए कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसका यूज़ कर पाए। अगर मुझे चांस मिला ना, मेरा देखना क्या करने वाली हूँ मैं बहुत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करूँगी मैं, अगर मेरे को भगवान ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी, इतना पैसा दिया उसके बाद। ठीक है, अब इनके घर में चलते हैं। थोड़ा मामा ने अपने हैंड से, अपने हाथ से एक एक पेड़ इतने अच्छे से संवारा है, दैट्स वाई मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं मेरे मामा। तो इस तरीके का मामा कुछ गार्डन वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, अपने घर में ही। ये शांति भवन है मामा का, अभी बना नहीं है पूरा, अभी बनेगा, टाइम लगेगा। मेरी नानी का नाम लिखा हुआ है शांति भवन, ठीक है, श्यामो, शांति श्यामो भवन, तो श्याम उनको निक नेम था और शांति भवन। गाइस का क्या मतलब होगा, आज तो मेरी समझ में बात नहीं है। गाइस का ये तो मतलब होता है, गाइस की जगह में साथियों, साथियों गाइस कहते हैं साथियों को। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठोक दो लाइक, ठोक दो और दबा के लाइक से ठोक दीजिए। मैं मामा ने एक बात बताएंगे, तो बताओ मामा, आप बता नहीं। देखो भाई, हम बना रहे हैं कहीं घूमने जाने का प्लान। हाँ, हमारा प्लान ये है कि अगर गर्मी है, गर्मी का मौसम, ठीक, हम ये चाह रहे हैं कि गर्म स्थान पर जाओ, बिल्कुल राजस्थान, ताकि हो जाकर ये लगे कि यार घर ही बढ़िया थे, कहीं घूमने का कोई फायदा नहीं, पैसे ही बनवाती है। आज के बाद कोई भी बच्चा घूमने का नाम ना ले ले। आगे ये कहने का है, आगे मिला हमें सुकून। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके बाद मामा कहना चाह रहे हैं कि इतना परेशान कर दो गर्मी में बाहर ले जाके, कि ये लोग कभी घूमने का नाम ना ले, है ना मामा। दवा के ठोक कर आई, ऐसे उससे तो साफ मना करता हूं मैं, मामा सही बोल रही है, सही बोल रहे, सही बोल रहा हूँ। उन्हें रसमलाई, उन्हें रसमलाई से मतलब है बस। मामा बिल्कुल सही बात बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। ओ बंदर कहाँ पर है, वो रहा, वो कूद गया नीचे को, कूद गया। तो शांति श्यामो भवन है मामा, श्यामो निक नेम था और शांति नाम था वैसे। हाँ सही है। ये चीकू का पेड़ है, ये वाला चीकू आए इसमें एक आध। और ये देखिए, ये छोटे छोटे चीकू, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे ये ना तोड़ूंगी नहीं मैं, पागल है। वापस आज हो गया बहुत ज्यादा मिलना झुलना सब लोगों से, और मामा हमें इस छोटी सी क्यूट सी कार में छोड़ने जा रहे हैं। ये ना मामा ने बेसिक नीड्स के लिए रख रखी है, मतलब बहुत पहले दी थी, अब यूज कर लेते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और बाय बाय।
सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठोक दो लाइक, ये तो ठोक दो लाइक, ये नहीं क्या बोल रही है। चलो मामा क्यों तो तू, बाय 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 करो, बाय मामी, बाय बाय। मामा में छोड़ गए, मैं बस मिल गई, होपफुली बस भी ठीक ठाक मिल गई है, अब आराम से अपने घर पे पहुंच जाएंगे। एक ही दिन का टूर था जो अब खत्म होता है। गाइस मैं आ गई थी, हम लोग आ गए थे, जब हम आ रहे थे ना तो मेरा थोड़ा बैटरी डाउन हो गई, तो मैं आने का इतने अच्छे से दिखा नहीं पाई, तो फिर बस आके खाना पीना मामी ने खिला दिया था, तो उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं हुआ। बट आप मेरी आँख में देख सकते कितनी ज़्यादा नींद भर रही है, इतनी अच्छी। तेरे को भी नींद आ रही है, बहुत तगड़ी करके नींद आ रही है ना। हाँ हम बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठ गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, और अपनी दो माँ कोल्ड मामा के घर से आके हम उन सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और मतलब मामा तो खैर अलग ही तरीके का बॉन्ड होता है, तभी उनका नाम शायद मामा रखा गया है, दो माँ लगाया हुआ है उनके आगे, है ना शिवी? तुझे क्या लगता है मामा के आगे दो माँ क्यों लगाया है? टेल मी, लगाया गया है, थोड़ा अलग ही बॉन्ड होता है वो। हाँ अपना सा, हाँ तो अपना सा बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई मामा बोला जाता है उन्हें। तो उनके घर से आ गए, एक ही दिन की ट्रिप थी, जल्दी आ गए और अब सोने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट गाइज। एंड अभी जो लोग मेरे को अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं उनको मैं सच्चे में दिल से थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।